हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। एनीवेज, जो जुपिटर है उसकी बेसिक सर्विसिंग करने वाले हैं आज। वैसे तो इसमें काफ़ी काम है, लेकिन अभी इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ जो बेसिक सर्विसिंग है, जो 2000 या 3000 किलोमीटर पर होती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हैं स्कूटी को, तो उस वाली सर्विस में जो भी काम होता है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात होने वाली है। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा जो सर्विसिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। तो सर्विसिंग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो होती है वॉशिंग, जो कि मैंने आज तक नहीं दिखाई है। जल्दी ही उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, पर तब तक के लिए प्लीज़ माफ़ करें। उसके बाद इसकी सेकंड जो प्रोसेस होती है सर्विसिंग की, वो होती है ऑयल चेंज। तो इंजन ऑयल चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको मेन स्टैंड पर लगाना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले वही कर लेता हूँ। और मेन स्टैंड पर लगाने के बाद जो इंजन है हम उसको वार्म अप करेंगे। वार्म अप इसलिए करना ज़रूरी है जिससे कि जो इंजन ऑयल है वो भी वार्म हो जाए, और जो गर्म इंजन ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेन करने में हेल्प हो जाती है, और साथ ही साथ जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन भी जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा भी निकलता है, जिससे कि हम जो नया इंजन ऑयल ऐड करेंगे वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि पुराना इंजन ऑयल है वो प्रॉपरली ड्रेन हो चुका होगा। तो सबसे पहले मैं इसको वार्म अप कर लेता हूँ और उसके बाद जो इंजन ऑयल ड्रेन की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। और एक टिप और बता देता हूँ, जब भी आप इंजन को वार्म अप करें तो एक वेंटिलेटेड एरिया के अंदर करें, बिकॉज एग्जॉस्ट फ्यूम्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इनहेल करना नहीं चाहेंगे। राइट, तो अभी जो वार्म अप की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। वैसे आप ये काम है ना, अगर आपने स्कूटी को वॉश किया है तो उसके बाद आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेते टाइम भी ये वार्म अप वाला काम कर सकते हैं। मीन्स कि उससे जो स्कूटी है वो वार्म अप भी हो जाएगी, जो पानी है वो अब जो पैनल्स के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर हमेशा हम वॉशिंग करते हैं तब पानी रह जाता है, जो कि कोरोजन और कार्बन बिल्डअप का रीज़न बनता है। तो वो पानी है वो भी निकल जाएगा जब आप स्कूटी को चलाएंगे तब, इमीडिएटली वॉश करने के बाद। और साथ ही साथ अगर आप एक मैकेनिक हैं तो आप इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी रेक्टिफाई कर पाएंगे, तो जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद इंजन ऑयल है वो ड्रेन करना है, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। तो ऑयल ड्रेन करने के लिए सबसे पहले जो ऑयल ड्रेन बोल्ट है उसको लोकेट करना है स्कूटी के अंदर, बेसिकली वो जहाँ पर जो ऑयल फिल वाली डिपस्टिक होती है। वैसे इसको भी लोकेट कर ही लेते हैं अभी, ये ऑयल फिल की डिपस्टिक है ये वाली, और इसके जस्ट नीचे की साइड आपको ऑयल ड्रेन बोल्ट मिलेगा, और इस केस में ये 16 mm का है। लेकिन आप अपनी स्कूटी का सबसे पहले जो ड्रेन बोल्ट है उसको देख लें, जिससे कि आपको इस चीज़ की एश्योरेंस हो जाए कि ड्रेन बोल्ट को खोलने के लिए आपके पास अप्रोप्रिएट जो स्पैनर है वो है। तो अभी ड्रेन बोल्ट है उसको रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रेन बोल्ट है उसको थोड़ा लूज़ कर लेते हैं, और लूज़ करने के बाद इसके नीचे एक ड्रेन पैन है उसको लगाना है, और उसके बाद जो ड्रेन बोल्ट है उसको ऑल द वे रिमूव करना है। और वैसे एक चैलेंज काफ़ी फेमस होता है कि आप इंजन ऑयल भी निकाल लें और आपके हाथ भी ख़राब ना हो, सो लेट्स सी। नाइस, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो हमारा फिल्टर है, स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं, वो कंटेनर में गिर गया है। और वैसे भी ऐसा काम करोगे तो हैंड्स तो डर्टी होंगे ही। तो अभी जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन होने देते हैं, और जो ड्रेनिंग की प्रोसेस है उसको आप थोड़ा सा अगर फास्ट करना चाहें, वैसे अभी तो सारा इंजन ऑयल निकल गया है, लेकिन फिर भी अगर आप उसकी जो प्रोसेस है उसको फास्ट करना चाहें तो ये जो डिपस्टिक है इसको आप निकाल करके कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। आप इसको वैसे पूरा रिमूव भी कर सकते हैं, नॉट एन बिग इशू। तो जो इंजन ऑयल है वो ड्रेन हो चुका है ऑलमोस्ट, और अभी ये जो स्ट्रेनर है उसको मैं निकाल लेता हूँ, बिकॉज इसको क्लीन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेक श्योर कि जो ड्रेन बोल्ट है उसके अंदर जो ये ब्लैक कलर की ओरिंग लगी है ये भी आप निकाल लें, अगर इसमें गिर गई है तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। राइट, तो अभी जो स्ट्रेनर है, ड्रेन बोल्ट है और जो डिपस्टिक की कैप है, उन तीनों को क्लीन करना है, और साथ ही साथ इनकी जो दो ओरिंग्स हैं उनको भी क्लीन करना है। और ये जो ओरिंग है इसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर लें कि इसमें कहीं कोई डैमेज ना हो, अगर डैमेज है तो आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। और इनको मैं क्लीन करने के लिए पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो दो ओरिंग्स हैं इनको पेट्रोल से क्लीन किया है, तो उसके जस्ट बाद इनको ऑयल में डिप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये क्रैक होने के चांसेस हैं, इनका जो रबर है वो डैमेज हो जाएगा, और फिर ये जो सील करने का काम कर दिया वो प्रॉपरली नहीं करेंगी। और ये जो स्ट्रेनर है इसको आप कुछ इस तरीके से ओपन करके अंदर से भी क्लीन कर सकते हैं,
ऑलराइट, तो अभी जो ये ओरिंग है इसको थोड़ा सा जो पुराना वाला ऑयल है उसी की हेल्प से लुब्रिकेट कर लेते हैं, और उसके बाद इसको जो ड्रेन बोल्ट है उसके अंदर इसका स्लॉट बना हुआ है उसके अंदर फिक्स करना है, एंड उसके बाद जो स्ट्रेनर है उसको प्लेस करेंगे। तो स्ट्रेनर है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि ये वाला जो पोर्शन है जिस साइड से हमने इसको खोला था वो नीचे की साइड रहेगा, और इसके बाद इन दोनों को एज इट इज़ जो इसका होल है उसके अंदर इंस्टॉल करना है, एंड देन जो ड्रेन बोल्ट है उसको हम हैंड टाइट कर देंगे। और ड्रेन बोल्ट को हैंड टाइट करने के बाद इसके अराउंड जो भी एक्सेसिव ऑयल है उसको एक बार वाइप ऑफ कर लेंगे। और ये जो पुराना ऑयल है इसको या तो आप स्टोर करके रख लेना, किसी भी काम में ले सकते हो, जैसे कि चैन लुब्रिकेशन हो गया पुरानी वाली बाइक्स का, या फिर किसी भी चीज़ में अगर आपको काम में नहीं आ रहा है तो इसको रिसाइकिल कर देना, इसको ऐसे ही कहीं मत फेंक देना। ओके, तो अभी जो ड्रेन बोल्ट है उसको टाइट करना है, तो अभी इस पोजिशन पर ये नॉर्मल फोर्स से मैक्सिमम टाइट हो गया है, तो उसके बाद इसको जस्ट 1/4 जो टर्न होता है उतना ही टाइट करना है बस। इसको ज़्यादा टाइट करने की सोचोगे तो ये स्ट्रिप हो जाएगा। एनीवेज, तो अभी ये जो ओरिंग है इसको मैंने थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लिया है पुराने ऑयल की हेल्प से, तो इसको एक बार मैं जो डिपस्टिक है उसके अंदर लगा देता हूँ। और अब बारी आती है इंजन ऑयल फिल करने की। तो सबसे पहले जो ये फिल बोल्ट है इसके चारों तरफ हमें थोड़ा सा वाइप ऑफ करना है, जिससे कि जो डस्ट है वो बाहर की बाहर ही रह जाए, अंदर ना जाए। तो जो इंजन ऑयल है वो मैं कैस्ट्रोल का एक्टिव स्कूटर जो 10W30 आता है वो यूज़ कर रहा हूँ। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सेकंड चीज़ मैंने आज तक इस इंजन ऑयल को यूज़ नहीं किया है, एक बार एक्टिवा में किया था पर उसका फीडबैक मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो इसको इस वाली स्कूटी के अंदर यूज़ करने के बाद में, थोड़ा चलाने के बाद में, या मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो सर्विस होगी उसके अंदर मैं इस ऑयल का जो मेरा फीडबैक है वो बता दूंगा। आप इंजन ऑयल लें तो एक चीज़ ज़रूर मेक श्योर कर लें कि आप गियरलेस और स्कूटर के लिए जो स्पेसिफिकली इंजन ऑयल आता है वो लें। पहली चीज़ वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, दूसरी चीज़ उसके अंदर जो ओवरऑल एडिटिव्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर क्लच प्लेट्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो डिटर्जेंट वगैरह हैं वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं उसमें। स्कूटी में 750 ml इंजन ऑयल है वो यूज़ होता है, उसका आप एक मार्क यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो इसका क्रैंक केस है उसके पास में लिखा भी हुआ है 750 ml, अगर आप देख पा रहे हो तो। और ये जो इंजन ऑयल है ये 800 ml है क्वांटिटी में, तो हमें 50 ml है वो सेव करना है। तो आप चाहें तो कोई कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कंटेनर यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज मैं दूसरा मेथड है वो ही यूज़ करना प्रीफर करता हूँ। आधे से ज़्यादा अमाउंट है वो फिल कर दें, और उसके बाद आप डिपस्टिक है उसकी हेल्प से चेक करते रहें और फिल करते रहें, जिससे कि आप ओवरफिल ना करें। लेकिन अगर आप 750 ml का आपके पास कोई जार वगैरह है तो उससे कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। या फिर आप सीरीज लेकर के 50 ml वो निकाल लीजिए और बाकी का है वो फिल कर दीजिए। तो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको करने के। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसकी जो ये साइड में सील है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको ऊपर की साइड पुल करना है। उप्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरे ही केस में हो गया हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि कैस्ट्रोल वालों को अपनी पैकेजिंग है वो थोड़ी इम्प्रूव करनी चाहिए। एनीवेज़, ये पहले पुल करना था फिर अनस्क्रू करना था, लेकिन इसके जो थ्रेड्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको पुल कर सकें, तो मैं प्लायर यूज़ कर रहा हूँ इसको पुल करने के लिए। और इस चीज़ के लिए मैं इनको प्रेस करने वाला था, बिकॉज स्कूटर्स में क्या होता है कि जो फिल होल है वो थोड़ा डीप होता है, तो आप नॉर्मल कैन है उसको यूज़ करके आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी हेल्प से आप इजीली इसको फिल कर पाएंगे। बट फिर ये जो चीज़ है, चलो कोई नहीं, चलता है इतना तो। ऑलराइट, तो समहाउ मैंने 50 ml बचा भी लिया, और जो अमाउंट है वो फिल हो भी गया है। अभी डिपस्टिक के अंदर इंजन ऑयल लेवल इतना शो कर रहा है, तो अभी के लिए तो इतना इंजन ऑयल सफिशिएंट है। और एक बार के लिए जो थोड़ा बहुत मेस क्रिएट किया है उसको क्लीन कर देते हैं। और इंजन ऑयल चेंज करने के बाद इसको एक बार फिर से हमें स्टार्ट करना है, 5 मिनट तक आइडल करना है, और उसके बाद इसको बंद कर देना है। उसके बाद इसको 5 मिनट देंगे हम ठंडा होने के लिए, और फिर हम जो इंजन ऑयल का लेवल है उसको चेक करेंगे, और ये सारी प्रोसेस मैन स्टैंड के ऊपर ही करनी है।
ऑलराइट, तो अभी इसको थोड़ा कूल डाउन होने के लिए टाइम देंगे और मीनवाइल हम जो बाकी के इंस्पेक्शंस हैं वो कर लेते हैं, जैसे कि इसके इंडिकेटर्स हो गए, टेल लाइट हो गई, हेडलाइट हो गई, हॉर्न हो गया, इसकी स्टार्ट होने की जो टाइमिंग है उसको नोटिस करना कि मतलब स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही है, चोक का ऑपरेशन हो गया, जो थ्रोटल है उसका फ्री प्ले कितना है और उसकी जो स्मूदनेस है वो कैसी है, साथ ही साथ जो ब्रेक्स वगैरह हैं उनको भी इंस्पेक्ट करना है, आगे वाले ब्रेक पैड, पीछे वाले ब्रेक पैड। और ये मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इनमें जो लाइट वगैरह चेक करने वाला पार्ट है वो तो बेसिक है, वो तो सिंपल सी बात है, इनको स्विचेस को ऑपरेट करके देखना है कि काम कर रही है या नहीं, नहीं कर रही है तो चेंज कर देना है। उसके अलावा जो ब्रेक्स हो गए आगे और पीछे वाले, चोक हो गया, कार्बोरेटर वगैरह हो गया अगर प्रॉब्लम है तो, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियोज़ बना रखी हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं। अभी जो इंजन ऑयल है उसका लेवल चेक करेंगे और उसके बाद जो गियर ऑयल है उसका लेवल चेक करेंगे और साथ ही साथ टायर्स का जो एयर प्रेशर है वो भी चेक करना है। और जब तक इंजन है वो ठंडा हो रहा है, मीनवाइल हम जो मेन स्टैंड वगैरह है और जितने भी पिविट पॉइंट्स हैं उन सबको लुब्रिकेट करेंगे। तो मेन स्टैंड को मैं ग्रीस से लुब्रिकेट करना प्रीफर करता हूँ, थोड़ा सा ग्रीस है वो इस साइड लगाना है और थोड़ा सा दूसरी साइड। उसके बाद जो स्टैंड है उसको थोड़ी देर ऑपरेट करना है और उसके बाद जितना भी एक्सेसिव ग्रीस है उसको एक क्लोथ की हेल्प से रिमूव करना है। जो एक्सेसिव ग्रीस है उसको क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये डस्ट है वो कलेक्ट करेगा और जो साइड स्टैंड की मूवमेंट है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद मैं जो चैन स्प्रे है उसको प्रेफर करता हूँ सभी पिविट पॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए। तो मेन स्टैंड पर हमने ग्रीस अप्लाई कर दिया है, उसके बाद थोड़ा सा जो चैन स्प्रे है वो भी अप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा जो किक की शाफ्ट है उसके ऊपर करना है और इन सभी में जितना भी ये एक्सेसिव अमाउंट है अप्लाई करने के बाद इन सबको हमें क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर यही चीज़ें हैं जो कि मिट्टी पकड़ने की वजह बनती हैं। जो लेडीज फुटरेस्ट है उसके ऊपर भी, और थोड़ा सा जो ब्रेक लीवर का पिविट पॉइंट है वहां पर अप्लाई करना है, ना कि केबल के ऊपर। और इसमें भी जो एक्स्ट्रा है वो क्लीन करना पड़ेगा। और सेम फ्रंट वाले ब्रेक के लिए है, जो पिविट है उसके ऊपर अप्लाई करना है। और जो थ्रोटल वाली ग्रिप है उसको वैसे तो आपको डिसमेंटल करके ही लुब्रिकेट करना चाहिए और उसकी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, वो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। और साथ ही साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट क्लीनर है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ आप जो चैन स्प्रे है या WD-40 ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो ये जो कंट्रोल्स हैं इनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें प्रॉब्लम है तो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। और इसके अंदर आप ड्राई लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इमरजेंसी या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चैन ल्यूब भी ठीक ठाक काम करता है। और थोड़ा सा लुब्रिकेंट है जो मेन स्टैंड की शाफ्ट है इस साइड भी और दूसरी साइड भी, उसके ऊपर भी अप्लाई कर दें थोड़ा सा, यहाँ पर भी, और थोड़ा अमाउंट ये जो थ्रेड्स हैं इनके ऊपर भी अप्लाई करना है, बिकॉज ये ओवर द टाइम जैम हो जाते हैं और उसके बाद इसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। और थोड़ा सा आगे की साइड भी करना है और इसको बाद में क्लीन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आइडियली ये जो लुब्रिकेशन की प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है ये अगर आप वॉशिंग करने से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ये सब करने के बाद आप अगर कपड़े से क्लीन करते हैं तो वैसी फिनिशिंग नहीं आ सकती है जैसी वॉशिंग के बाद आती है। तो मुझे तो आदत है मैं पहले एक बार सर्विस से पहले वॉश करता हूँ और एक बार सर्विस होने के बाद वॉशिंग करता हूँ, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये सबके लिए सूटेबल नहीं होती है, स्पेशली जो मैकेनिक्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये टिप उनके लिए थी। और अभी जो डिपस्टिक है उसमें ऑयल का जो लेवल है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो डिपस्टिक है उसको क्लीन कर लिया है और ये है इंजन ऑयल का लेवल जो कि थोड़ा सा कम है, बट अराउंड अबाउट 10 ml के समथिंग इंजन ऑयल इसमें और डलेगा, उसके बाद इसका जो लेवल है वो प्रॉपर हो जाएगा। और अभी जो इंजन ऑयल है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर हो गया है, तो बस जो इंजन ऑयल वाली जो प्रोसेस थी चेंज करने की वो कंप्लीट हो चुकी है।
और अभी बारी है जो गियर ऑयल है उसका लेवल चेक करने की। इसमें गियर ऑयल का जो लेवल है सिर्फ वहीं चेक होगा, अगर लेवल कम है तो हम एक्स्ट्रा गियर ऑयल है वो ऐड करेंगे या फिर चेंज करना भी सोचेंगे। तो ये 13 mm का बोल्ट है, इसको ओपन करना है। और इसको जैसे ही हम पूरा ओपन करेंगे तो अगर यहाँ से गियर ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स कि जो गियर ऑयल का लेवल है वो प्रॉपर है। और एज यू कैन सी इसमें गियर ऑयल निकल रहा है, उसका एक प्रूफ आप ग्राउंड के ऊपर भी देख सकते हैं। तो हमारा जो गियर ऑयल है वो प्रॉपर है। और ये जो बोल्ट है इसको टाइट, बस इतना ही टाइट करना है इसको, बिकॉज इसके और इसका जो होल है उसके बीच में एक कैस्केट लगा हुआ है जो कि पेपर टाइप मटेरियल में आता है और ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, तो इसको हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ऑलराइट, तो इसकी जो बेसिक सर्विसिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं कुछ चीज़ें वो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक सर्विसिंग का मतलब बेसिक सर्विसिंग ही है, इसके अंदर ऑयल चेंज भी नहीं होता है। अगर आप बाइक की जो ओनर्स मैनुअल है उसको खोल करके देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 6000 किलोमीटर पर ऑयल चेंज का इंटरवल बता रखा है, 3000 पर आपको सिर्फ टॉप अप करना होता है। लेकिन जो इंडियन इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ 22000 किलोमीटर्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ अश्योर कर सकता हूँ कि आपको इसमें इंजन ऑयल 3000 किलोमीटर पर चेंज कर ही लेना चाहिए। 2000 पर करें अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चलाते हैं तो। अब इंजन ऑयल के अलावा गियर ऑयल है। गियर ऑयल बेसिकली आपको हर सेकंड सर्विस पर चेंज करना चाहिए, जिसको मैं मेरे ओपिनियन में मैं मेजर सर्विस मानता हूँ, जो कि 6000 किलोमीटर्स पर होती है, जो कि कंपनी के लिए बेसिक सर्विसिंग है। वो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या और चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अभी इसकी मेजर सर्विसिंग ही आ रखी है, लेकिन क्योंकि मेजर सर्विसिंग में बेसिक सर्विसिंग वाले काम भी होते ही हैं तो वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब उसके अलावा जो भी इंस्पेक्शन वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, उनकी सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इस वाली वीडियो में बस इतना ही था, और काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ उसके बारे में, शायद मोस्ट प्रोबेबली जो 31 दिसंबर होगी उस दिन बात करेंगे कि कैसा रहा अपना 2020। एनीवेज, इस वाली वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।